Welcome back, students, to my channel. I am Neeti Bhardwaj. In my earlier video, I had shown you how to show mountain soil, alluvial soil, and arid soil on a map of India. And today, we will be doing laterite soil and red soil. So I had told you the ways of doing these soils. Now, for drawing laterite soil, as you can see, this is arid soil area in Rajasthan, and this is all alluvial soil, this one. Now here you can see this is boundary of Gujarat here. Now with this boundary parallel to this is Tropic of Cancer. थोड़ा इससे ऊपर आपने इसके साथ parallel, ये तो जो दिख रही है आपको ये तो alluvial soil का वो है boundary हो गई. तो यहां पर आपने रख दी pencil, यहां से इसको इसके parallel ये boundary के आपने लेके आना है इसको, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ जब ये पहुंचेगी तो इसको आपने वापस ऊपर को मोड़ लेना, राइट. अब आप ये देखोगे कि ये जो कर्व दिया था हमने यहां पे, ट्रिक क्या है, इसके सामने इसको थोड़ा सा अंदर हमने लेके जाना है, यहां इसके सामने ऐसे, और फिर इसको हमने ये जो कर्व था इसके साथ ले जाके इसको जोड़ देना है. Now this area will be laterite soil. This is what we have shown, laterite soil, and we can fill a color here. This is the area showing laterite soil. This is arid soil. In between this idea is, I have not filled a color in this area because here in Gujarat we have to draw some areas for showing black soil. Now this is one area for laterite soil. Now here, if you see here, this is the point where alluvial soil area ends. Now this boundary of Gujarat, this is a point where it ends. So you can just make a point here, right? And after that, ये curve जो है गुजरात की boundary का, इसके सामने एक थोड़ा सा इसके नीचे होना चाहिए ऐसे, यहां एक point लगाओ. ये यहां से idea लिया हमने. अब आप ये देखोगे कि ये जो बॉम्बे ये एरिया यहां दिख रहा है, जितना इसके ऊपर ये है, थोड़ा अंदाजे से जस्ट गैस हैव अ गैस, उतना ही नीचे इस कर्व, ये जो कर्व है बीच में एक, इसके नीचे आपने एक पॉइंट लगाओ. समझ गए मैं क्या बोल रही हूं? ये जो कट है यहां पे, इसके ऊपर ये बाउंड्री गुजरात की, यहां इट इज एंडिंग हियर, यहां पॉइंट लगाओ, और ये अंदाजे से जितनी ये दूरी है उतना डिस्टेंस यहां लेकर यहां एक पॉइंट लगा लो. फिर आपने क्या करना है, यहां से आइडिया लो, इसके नीचे एक पॉइंट लगाना है, इससे थोड़ा नीचे होना चाहिए. तो उसी तरह से उतना ही नीचे इसके सामने यहां एक पॉइंट लगा लो, इसके बिल्कुल सीधे उसमें. अगर आपको ये स्टेप याद हो गया तो इट इज वेरी गुड. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज join it with this one. इस लाइन्स को यहां लगाओ और इससे ज्वाइन कर दो, इसको यहां लेके आओ और फिर इसको इससे ज्वाइन कर दो, लाइक दिस. ओके, दिस इज एरिया हैविंग रेड सॉइल.
दिस इज रेड सॉइल. ओके नाउ व्हाट इज द ट्रिक अगेन. अब आपने ये देखना है, ये जो गोवा है, दिस इज गोवा, दिस इज द पॉइंट वेयर दिस महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा की बाउंड्री जहां मिलती है, ये पॉइंट है, यहां पॉइंट लगाओ. उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो केरला की बाउंड्री आ रही है, जो पहला कर्व आता है, यहां एक पॉइंट लगाओ. और उसके बाद फिर थर्ड तमिलनाडु, कर्नाटक एंड केरला, जहां इनकी बाउंड्री मिल रही है, ये पॉइंट यहां लगाओ. ये ड्रॉ करने के बाद जहां ये थ्री स्टेट्स की बाउंड्री पॉइंट जहां मिल रहा है, फिर यहां ये केरला का ये फर्स्ट कर्व आता है, यहां पे पॉइंट लगाओ. देन दीज थ्री स्टेट्स यहां जिनकी बाउंड्रीज जहां मिल रही है, ये पॉइंट लगाओ. और इसके बिल्कुल सामने यहां. अब आपने क्या करना है, यहीं को, इसी को आगे बढ़ाते हुए इस पॉइंट से मिला दो. ठीक है, फिर इसको आपने इस पॉइंट से मिलाना है. ऑलमोस्ट इसी बाउंड्री के जो ये कोस्ट है इंडिया का, इट इज जस्ट ऑलमोस्ट गोइंग ऑलमोस्ट पैरेलल टू इट. देन इस पॉइंट से मिलाना है इसको आपने यहां. और उसके बाद इसको आपने यहां ले जाना है, इस पॉइंट से मिला. सो दिस एरिया, ये जो एरिया है, दिस इज अगेन लेटराइट सॉइल. सो वी विल फिल, वी हैड फिल्ड पिंक कलर हेयर इन लेटराइट सॉइल एरिया. सो अगेन वी विल फिल पिंक कलर हेयर. Right, so this is laterite soil and this was laterite soil. Now I have already drawn this area here. Yesterday we had done alluvial soil. This is boundary of, from this side is it is Bangladesh boundary, and from this side it is our West Bengal's boundary. And this was, so this area having alluvial soil. Now यहां तक ये alluvial soil थी. I had told you this is Chilika Lake, और Chilika Lake से आपको बताया था कि ये जो ऊपर आपने खत्म करना है इसको alluvial soil. अब यहीं से हमें ये लेकर this थोड़ा, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे रहना है, यहीं से आपको आपको ये लेके जानी है ये वाली लाइन, और फिर इसके साथ ऐसे जैसे ये ऊपर हुई उसी तरह इसको करो, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे रखना है. ये भी लेटराइट सॉइल है. हियर अगेन वी विल फिल पिंक कलर. This is again laterite soil. Alright. Now come here to this point. This was the alluvial soil area. ये सारी alluvial soil है. Now this is Meghalaya. ये Assam था. Assam के नीचे this is Meghalaya. अब ये Meghalaya जो जहां ये बाउंड्री मुड़ेगी इसकी, आपने यहां पॉइंट लगाना है. और इस तरफ इसके ये बाउंड्री आ रही है, जहां ये इस तरह आके नीचे कर्व आता है, इधर पॉइंट लगाना है. तो इस पॉइंट को आपने इससे मिला देना है.
ये जो है एरिया, दिस इज अगेन हैविंग लेटराइट सॉइल. सो वी विल फिल पिंक कलर इन दिस. दिस इज लेटराइट सॉइल. All right, and then there is one area here. I have already drawn it. This was alluvial soil. ये केरला की बाउंड्री के बाद ये जो एरिया है यहां पर, ये छोटा सा जो पॉइंट, this is again लेटराइट soil. This is laterite soil. This is again this area having again laterite soil. Yeah, this is red. Red soil. This is laterite soil. Again, this is laterite soil. Here it was laterite soil, and this area having laterite soil, and this is red soil. This is what we will do today, and after this it will be easy for you to draw the area, yeah, show the area having black soil in India, because these are smaller parts, easier to draw, and after that the next step will become quite easy.